दोस्तों आज हम बनाएंगे सोया सीख कबाब। ये कबाब बहुत ही टेस्टी होते हैं और स्नैक्स के लिए एकदम परफेक्ट एक डिश है जिसे आप बड़े ही आसानी से झटपट बना सकते हैं। ये देखिए हमारे कबाब ऊपर से कितने क्रिस्पी और अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं। ये कबाब को घर पर स्नैक्स के तौर पर आप खा ही सकते हैं। ऊपर से अगर कोई मेहमान घर पर आ जाए तो भी आप इसे झटपट बनाकर उन्हें सर्व भी कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयताली और आप देख रहे हैं स्वाद का खजाना। तो आइए शुरू करें बनाना। तो यहाँ पे मैंने एक कप सोया चंक्स लिए हैं और यहाँ पे पानी को हमने उबाल लिए हैं। अब इस सोया चंक्स को इस उबले हुए पानी में डाल देंगे और 5 से 7 मिनट इसे बॉईल कर लेंगे। ये देखिए सोया चंक्स कितने फूल चुके हैं और ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुके हैं। अब इसे हम छान के इस ठंडे पानी में निकाल लेंगे। और इसे 2-3 बार नॉर्मल पानी से ही अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि ये ओवरकुक ना हो और जल्दी से ठंडा भी हो जाए। सोया चंक्स को अच्छे से 2-3 बार वॉश करके लिए है। अब इसे ऐसे हाथों से अच्छे से निचोड़ के इसका सारा पानी निकाल लेंगे और इस मिक्सी के जार में डालते जाएंगे। अब इसे ढक के मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए सोया चंक्स कितने अच्छे से पीस चुके हैं। अब इसे इस दूसरे बॉल में निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज के प्याज लिए हैं और लिए हैं 4 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक के टुकड़े और 10 लहसुन की कलियां। अब इन सारे चीजों को अच्छे से चॉप कर लेंगे और इस सोया चंक्स में मिला देंगे और साथ ही साथ डालेंगे 1 बड़े चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटे चम्मच अजवाइन जिसे ऐसे हाथों से क्रश करके देंगे, 2 बड़े चम्मच नींबू का रस, 3 बड़े चम्मच भुने हुए मैदा और 3 बड़े चम्मच भुने हुए बेसन। अब इन सारे चीजों को अच्छे से मिलाते हुए एक डो बनाएंगे। यहाँ पे जो मैदा और बेसन का यूज किए है उसे मैंने मीडियम लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करके लिए है, तो आप भी बिल्कुल ऐसा ही करना, इसे टेस्ट बढ़िया आता है। ये देखिए मिक्सचर हमारा अच्छे से डो के फॉर्म में आ चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने एक चॉपस्टिक लिए है, इसी स्टिक से ही आज हम कबाब को बनाएंगे। लेकिन अगर आपके पास चॉपस्टिक्स ना हो तो ऐसे दूसरे कोई भी स्टिक या फिर पेंसिल से भी आप ये काम कर सकते हैं। अब थोड़े से मिक्सचर हाथों में लेंगे और ऐसे एक बॉल बना लेंगे और इसे इस स्टिक में अच्छे से ऐसे प्रेस करते हुए कबाब का शेप देंगे। बहुत लंबा साइज के कबाब आप मत बनाना क्योंकि फिर स्टिक से निकालते वक्त वो टूट सकते हैं। ये देखिए ऑलमोस्ट ऐसे साइज के ही कबाब बनानी है। अब इस कबाब को स्टिक से निकाल लेंगे और यहाँ पे मैंने एक पैन में तेल को हल्का सा गरम करके लिए है और अब इस कबाब को इस तेल में डाल देंगे और इसे लो फ्लेम पर शैलो फ्राई कर लेंगे और ठीक ऐसे ही एक बार में जितना हो सके उतना ही हम कबाब बनाएंगे और इस तेल में डालते जाएंगे। ध्यान रखना कबाब को डालने के तुरंत बाद ही इसे पलटना नहीं है। जैसे ही ये नीचे से फ्राई हो जाएगा तब इसे हम पलट पलट के चारों ओर से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कबाब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम तेल से निकाल लेंगे। ठीक ऐसे ही बाकी मिक्सचर से
बाकी के कबाब भी बना लेंगे। यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान रखना, कबाब को फ्राई करने के लिए हो सके तो आप फ्लैट पैन ही लेना ताकि ये अच्छे से शैलो फ्राई हो सके। तो देखा दोस्तों कितने झटपट और कितने आसानी से बन गया हमारा टेस्टी सोया सीख कबाब। तो मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और कोई क्वेरी या सजेशन हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये भी बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही मजेदार रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास वाले बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि हमारे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगले नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।